खबर चलाने के बाद भी हनुमानगढ़ प्रशासन नहीं जागा है। दो रोगी हनुमानगढ़ में मिलने के बाद स्वयंसेवी संस्थाओं ने भोजन वितरण करने को बंद कर दिया है तथा गरीब व्यक्तियों को सूखा राशन भी कई स्थानों पर अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बारे में जिला रसद अधिकारी को वार्ड नंबर 15 नगीनाबाई का वार्ड है जे, उनके द्वारा भी जय प्रशासन से मांग की गई थी कि चूड़ी बेचने वाले गरीब व्यक्ति इस वार्ड के अंदर किराए पर रह रहे हैं, उनके पास वर्तमान समय में काम बंद होने के कारण खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको प्रशासन की ओर से राशन की किट उपलब्ध कराई जावे, परंतु अभी शाम तक जिला प्रशासन की तरफ से इन परिवारों के लिए किसी भी प्रकार के सूखे राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि जिला रसद अधिकारी द्वारा मीडिया को यह बताया भी था कि जिन गरीब व्यक्तियों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको सूखे राशन देने के लिए सर्वे करवाया जा चुका है तथा सर्वे के अनुसार सभी स्थानों पर सूखा राशन सामग्री भोजन की पहुँचाई जा रही है, परंतु वार्ड नंबर 15 में जानकारी होने के बाद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा राशन नहीं पहुंचाए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रशासन के द्वारा अपनी व्यवस्था में दुरुस्त करने के तरीके नहीं अपनाए तो गरीब व्यक्तियों के आगे भूखे रहने की नौबत हनुमानगढ़ में आ सकती है, इसलिए प्रशासन को ऐसे स्थानों को अतिशीघ्र चिन्हित करते हुए सभी जगह राशन पहुंचाए जाने की व्यवस्था करनी होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़। अभी प्रशासन की तरफ से जो लोग कर्फ्यू लग रही है टाउन का, उसमें लगभग 15 वार्ड चिन्हित किए गए हैं, वहाँ 4 से 6 बजे तक हमने टाइम दिया गया वहाँ राशन की उपलब्ध करवाने के लिए। तो कल से हमारी टीमें वहाँ गई थी और 2 वार्ड में हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। जो जरूरतमंद व्यक्ति थे जिनकी लिस्टिंग की हुई है उसके हिसाब से उनको फूड किट्स, ड्राई किट्स जिसको कह सकते हैं, वो उपलब्ध करवाई जा रही है। जंक्शन के अंदर सर कर्फ्यू भी नहीं है और यहाँ भी जो है खाना जो संस्था दे रही उन्होंने बंद किया, यहाँ पर कैसे व्यवस्था की जा रही है? यहाँ जैसे हमारे पास कोई शिकायत आ रही है या कोई जरूरतमंद व्यक्ति फोन कर रहा है तो तुरंत उसको जो फूड किट है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और जैसे कि आज मेरे मीडिया के साथियों ने भी बताया कि वार्ड नंबर 15 से कुछ जरूरतमंद परिवार है जिनकी संख्या लगभग 40 आदमी के आसपास बताई है, तो उनको भी हम अभी 1-2 घंटे में उपलब्ध करवा देंगे। तो इसका सर क्या सर्वे करवाया गया है, कितने परिवारों को किट की आवश्यकता रहेगी? ये सर्वे हमारे SDM ऑफिस से हुआ था, उनकी लिस्टिंग हमें दी गई है और उसके अनुसार उनको ड्राई किट वगैरह उपलब्ध करवाई जा रही है। वैसे अनुमानित कितने परिवार हैं सर हनुमानगढ़ प्रॉपर में? हनुमानगढ़ की अगर 60 वार्डों की बात करें तो उसमें से लगभग 57 वार्डों की हमारे पास लिस्ट है और उसमें लगभग ये संख्या 7,000 के आसपास की है। तो 7,000 किट अपने तैयार करिए सर। हाँ, किट का जैसे भामाशाह से लेकर के और जन सहयोग से और प्रशासन की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है और जरूरतमंद व्यक्तियों को समय रहते हुए उपलब्ध करवा दिया जाए।